स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गया यहाँ पर। यहाँ पे अपना व्हाइट बोर्ड, अभी लोग आएंगे इसलिए ये वाला व्हाइट बोर्ड आज खोल लेते हैं। देखो 2 मिनट देना आप लोग, आपका क्लास हो सके तो हम 1 15 मिनट ज़्यादा ले लें, 10 मिनट ज़्यादा ले लें। तो 2 मिनट नए लोगों के लिए, जो पुराने लड़के मेरे साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा मेरे साथ कॉपरेट करना, ठीक है? थोड़ा सा, क्योंकि जो नए लड़के आए ना उनको भाई पता नहीं चलेगा। और पिछले 2 3 दिनों में आप लोग का इतना प्यार होता है ना, इतना सपोर्ट होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हो, बहुत ज़्यादा। मतलब अप्रोक्स अभी 60 लड़के होने वाले हैं, ऑल ओवर लड़के प्लस लड़कियां, 60 लड़के लड़कियां होने वाले हैं। और ये पिछले 3 4 दिनों में 15 से 20 लड़के ये 3 3 दिनों में बस आए हैं, 3 दिनों में 15 से 20 लड़के आ गए हैं। तो ये सपोर्ट है। तो देखो नए लड़के सुनो मेरे साथ, गेलो बिल्कुल नहीं जा रहा। एक मिनट एक जी मिनट सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर, हेलो सर, एक मिनट एक मिनट भाई एक मिनट, सारा डाउट आपका हम क्लियर करते हैं। सर ग्रुप को खोल दीजिएगा, जिसको जिसको जो डाउट होगा ग्रुप में पूछेगा सर। सर पहले का पीडीएफ भेज देगा, फोटो खींच के ग्रुप का खोल हाँ हाँ दीजिएगा। भाई सब भेज देंगे हम, देखो सर को परेशान मत करो लोग, ठीक है? हम ग्रुप में खोल देंगे भाई, पर ग्रुप में बिल्कुल भी जो है ना कि फालतू मैसेज बस मत करना, ठीक है? देखो भाई, नया लड़का जो होगा सर, जिसका जिसका डाउट होगा हम उसको सब क्लियर कर देंगे। हाँ एक भेज भाई देंगे है, सर, हो गया उसको करेंगे सर, एक भाई है आपका डाउट ये क्लियर कर देंगे, ठीक है? हो जाएगा सर। देखो नए लड़के जो ये हो, पुराने पूछना लड़के जो मेरे साथ हैं, बस चुप हो जाओ थोड़ा सा, मेरे से कॉपरेट थोड़ा सा करो, भाई के लिए कॉपरेट करो। अभी भी लोग आ रहे हैं, और नए लड़के जो आ रहे हैं मेरे साथ, मेरी बातों को सुनो, हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे हैं। देखो ये हमारा इंट्रेंस का तैयारी हम करवा रहे हैं, ये आप लोग आए हैं पैसा दे के आए हैं, आपको पता है। इसमें अभी आपका कम से कम 15 क्लास से ज़्यादा छूट चुका है, तो इन सभी 15 क्लास का, ये 15 क्लास का बहुत का लाइव रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डाल देंगे। क्या करके? यूट्यूब पे पब्लिक नहीं करेंगे, उसको अनलिस्टेड करेंगे। अनलिस्टेड कहने का मतलब वो जो क्लास हमारी रहेगी, जिसको मैं लिंक दूंगा, वो लिंक से वो वीडियो देख सकता है, अन्यथा कोई नहीं देख सकता है। लिंक पे क्लिक करोगे, ये हो गया। दूसरा, इसके साथ हम आपको बैकअप क्लास देंगे संडे को। संडे को क्या देंगे? बैकअप क्लास देंगे। इसमें आपका जो भी है, 5 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, 8 घंटा लगे, 9 घंटा लगे, जितना भी हो, हर एक संडे को एक बैकअप क्लास मिलेगा, जिसमें पुराने लड़के प्लस न्यू लड़के जो भी हैं, जिनका भी कोई टॉपिक छूटा हुआ है, वो क्लास में आकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात हम लोग करते हैं कि सर चल क्या रहा है, अभी पढ़ा आप क्या रहे हैं, ये थोड़ा सा आप लोग नए लड़कों को प्रॉब्लम होगा। पुराने लड़के मेरे साथ हैं, वो अच्छे अच्छे आपके साथ लड़के जुड़े हैं, क्योंकि वो पहले आए हैं। तो बता देता हूँ कि अभी हम लोग का, जैसे कि देखिए, BSc BA और ये BCom, यदि हम सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, पटना विश्वविद्यालय की बात करें, तो इसमें आपका स्टैटिक जीके एक पोर्शन होता है, स्टैटिक जीके, उसका वेटेज क्या होता है? तो BSc में तो ये 10 नंबर का आता है, पर ये 10 नंबर को आपको छोटा नहीं समझना है, क्योंकि ये 10 नंबर आपके रिजल्ट को आगे या पीछे कर सकता है। यदि 10 नंबर यदि आप एक्स्ट्रा ये लाते हैं, तो आपका 100% एडमिशन होने का चांस है, नहीं तो आपका एडमिशन होने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है? BA वालों के लिए ये 40 से 50 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, जो आपका स्टैटिक जीके सिर्फ होता है। और BCom वालों के लिए ये पक्का पक्की 40 मार्क्स का सवाल आपके पूछा जाता है, BCom वालों का। बीबी को छोड़ दिया सर। मतलब बोल रहे हैं ना भाई, BBA वालों के लिए बता देते हैं, ये भी 15 से 20 मार्क्स के सवाल यहाँ स्टैटिक जीके से आपके देखने को मिलेंगे। BBA वाले का अलग पोर्शन जो आता है, आपका कंप्यूटर आता है, उसका भी हम क्लास एक्स्ट्रा आपके लिए अलग से लगवाएंगे। इसके साथ जो भी आपका इकोनॉमिक्स के भी सवाल जो पूछे जाते हैं, उसका भी हम लोग क्लास आपका लगा देंगे। इसके साथ आपका इंग्लिश, इंग्लिश का जो क्लास आता है, इंग्लिश जो आपके सवाल पूछे जाते हैं, इसका भी क्लास लगाएंगे। ये आपका क्लास चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? अभी आपका स्टैटिक जीके चल रहा है। मतलब स्टैटिक जीके, आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी करना चाहते हो, उसमें आपका एग्जाम में ये पोर्शन आएगा ही। तो स्टैटिक जीके में हम आपको एक PDF दिए हैं, उसमें आपको 15 से 20 टॉपिक दिए हैं, जो पढ़ना है आपको उसका। हम टॉपिक उसमें हम आपको 15 से 16 टॉपिक करवा चुके हैं, पूरा
पुराने लड़के जो हैं वो जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो देख चुके हैं, तो 15 से 16 बाकी का जो टॉपिक है हम आपको आगे नेक्स्ट दिनों में जल्दी जल्दी खत्म करवा देंगे। अब हम बात थोड़ा सा सीयू सीटी की कर लेते हैं, VHU के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इसमें आप जो NTA आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न को बता दी है कि हम आपका एग्ज़ाम कैसे लेंगे। तो आप लोग जो बहुत लोग वीडियो देखे भी होंगे बहुत नहीं देखे होंगे, इसमें आपका चार सेक्शन है, चार सेक्शन है, सही बोल रहा हूँ मैं? चार सेक्शन में जी पहला सर, देखे थे सर। पहला सेक्शन जो आपका लैंग्वेज का है, ठीक है, दूसरा वही जो सेक्शन है 1B वो भी लैंग्वेज का है, पर इसमें आपका रशियन है, स्पेन है, पर्सियन है, इस टाइप के लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज, जापानीज है। तो यदि ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपका बोल दिया कि हम एग्जाम लेंगे, अब सर बीते आवाज नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं जा रहा है, आवाज आ रहा है आपके पास? आवाज आ रहा है सर, क्लास आवाज आ डिस्टर्ब रहा है मत करो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हो गया क्लास डिस्टर्ब मत करो, हम जो समझा रहे हैं जल्दी खाली समझते जाओ। तो इसमें जो BHU बोलेगा और कि आपका काफी लैग कर रहा है सर स्क्रीन। क्या लैग कर रहा है? हाँ सर, नहीं मेरे में सर, काफी नहीं लेट डिस्प्ले कर रहा है। सर, प्रॉब्लम नहीं सर, सर्वर है? अरे यार डिस्टर्ब मत अरे करो, आपका नेट प्रॉब्लम होगा नेट जिसका भाई, मेरे प्रॉब्लम, मॉडम लगा हुआ है। सबको डिस्टर्ब हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम, सबका डिस्टर्ब हो हमको रहा है, कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। यार थोड़ा सा माइक ऑन ऑफ कर लो, नहीं 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अब ऐसा नहीं होगा, बहुत लोग आ रहे हैं अभी भी। माइक ऑफ कीजिए सर। ठीक है आज मैं मैं अपने अंकल के आईडी से आ गया, कल मैं इसको ठीक कर लूंगा सर। 1 मिनट 1 मिनट, एक बार रुक जाइए, हमको समझाने दीजिए, जो हम समझाना चाह रहे हैं वो जल्दी बताना, फिर हम आपको क्लास भी हमको देना है, रुक जाइए 1 मिनट 1 मिनट। आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज कीजिएगा मेरे को, क्योंकि ये संभव नहीं है अब, सॉरी पर ये अब संभव नहीं है कि हम आपका माइक्रोफोन ऑन कर पाएँ। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हो मैसेज कीजिएगा, मैसेज यदि कभी ऐसा डाउट हो कि सर माइक ऑन कीजिए तो हम आके आपका माइक ऑन कर देंगे। ठीक है, ऐसे मैसेज आप कर सकते हो, आप देखो मैसेज कर सकते हो, आप मैसेज भेजो, मैसेज कर सकते हो इन कॉल मैसेज आप। तो BHU की हम लोग बात कर रहे थे, तो BHU में एक लैंग्वेज होता है, NTA बोल दिया कि हमारा एग्जाम का पैटर्न में हम लोग चार पैटर्न करेंगे, चार पेपर रहेगा, चार सेक्शन रहेगा, चार सेक्शन में। अब वो यूनिवर्सिटीज जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आपका BHU है, आपका DU है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी बोलेगी कि इन चारों सेक्शन में हम 1 नंबर सेक्शन, 3 नंबर सेक्शन और 4 नंबर सेक्शन का एग्जाम लेंगे, ये बोला BHU। अगला बात दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है नहीं भाई साहब, हम 2 नंबर सेक्शन से लेंगे, हम 4 नंबर सेक्शन से लेंगे और हम 3 नंबर सेक्शन से एग्जाम लेंगे। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, 1 2 3 4, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में क्या बोला जाएगा आपका कि आप सेक्शन, कोई यूनिवर्सिटी बोलेगा कि हम सेक्शन 1 से एग्जाम लेंगे, सेक्शन 3 से लेंगे, सेक्शन 4 से लेंगे, 3 सेक्शन से आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो सेक्शन 4 है वो सब, ये BHU जो है, BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपके सेक्शन 4 को कंपलसरी करेगी, मतलब सेक्शन 4 से आएगा ही आएगा, और सेक्शन 4 में जो है आपका वो जीके है, मैथ है, आपका रीजनिंग है, और 60 क्वेश्चंस इससे आएंगे, जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 60 क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि यदि आप GK पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा, यदि आप BHU से करना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हो, यहाँ तक कि आप पटना यूनिवर्सिटी से भी करते हो, तो आपको GK पढ़ना ही होगा। तो हम लोग GK का ही क्लास कर रहे हैं, तो जो अब आगे करते हैं क्लास, मैसेज आप लोग कीजिए, क्योंकि बहुत हम आपको बता दिए कि हमारी क्लासेस चल रही है, अब लिंक शेयर करके लोग आ रहे हैं, आप लोग यही है कि लिंक शेयर ना किया कीजिए। हाँ बस, अच्छा सा मैसेज भी आ रहा है, आप लोग बोल पा भी रहे हो, और कहीं प्रॉब्लम हो भाई तो आप मुझे बोलना कि सर माइक ऑन कर दो। ठीक है, अब देखो हम लोग स्टैटिक GK में क्या किए थे, तो हमारा नेक्स्ट स्टैटिक स्टैटिक GK, तो पिछली बार जो पिछली क्लास हम लोग की थी वो क्या थी, विभिन्न देशों के, लिखो मेरे साथ, आप लोग भी लिखो, सभी लोग कॉपी कलम निकालो मेरे साथ लिखो, विभिन्न देशों के राजधानी, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुछ लड़के बताओ कि हम लोग क्या किए थे, यूरोप का किए थे,
यूरोप का किए थे, बताओ बताओ। और ये बताओ, ये तो करवा दिए थे, ये उत्तरी अमेरिका का करवा दिए थे, अब यूरोप बचा हुआ था। हाँ तो दक्षिण, हाँ यूरोप का करवा दिए थे। सब कुछ मिलेगा स्टैटिक जीके में आपका, पीडीएफ का कोई नहीं। इंडिया को यदि इंडिया लिखेंगे, न्यू दिल्ली लिखेंगे, इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें इंग्लिश हिंदी होगा दोनों का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो यूरोप में लिखिए, रूस करवा दिए हैं, एक आपका देखिए यूनान करवा दिए हैं, स्विट्जरलैंड का करवाएं मेरे साथ, लिखिए अगला, स्विट्जरलैंड की राजधानी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, लिखिए मेरे साथ स्विट्जरलैंड, 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 स्विट्जरलैंड की राजधानी। तो मैं इधर इधर लिखिए देश, एक साइड एक कॉलम लिखिए देश, दूसरे कॉलम में मेरे साथ लिखिए राजधानी। ठीक है, देश और दूसरे कॉलम में राजधानी, स्विट्जरलैंड, तो इसका आएगा बर्न, बर्न, इधर बर्न। क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन है। निम्नलिखित में ये स्विट्जरलैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन है, राजधानी कौन है, कौन। लिंक शेयर करोगे ना भाई, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। यदि कोई लिंक शेयर करके अपना सोच रहा है कि हम दोस्त को शेयर कर देंगे, वो आ जाएगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड लिखो, यूक्रेन का लिखवा दिए, ये तो क्वेश्चन था, नीचे चार ऑप्शन रहेगा। अगला लिखो मेरे साथ यूक्रेन, नहीं पीयू नहीं लेगा, यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी लिखो क्यू, क्यू, यू। अब देखिए ऑस्ट्रिया का लिखवा दिए होंगे, जो नहीं किए हैं वो टेंशन मत लीजिए, जो नहीं किए हैं, इटली का करवा दिए। अब लिखो ओशिनियाई देश, अब अगला देश का नाम लिखो ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं करवाए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का लिखो मेरे साथ, ऑस्ट्रेलिया का लिखो, ऑस्ट्रेलिया का लिखो कैनबेरा, 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 ऑस्ट्रेलिया। ये देखो देश की नाम है, ये उसकी राजधानी है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हम बता दिए हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है, तो कैनबेरा मारोगे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा बहुत क्वेश्चन। फिर लिखो न्यूजीलैंड, मेरे साथ लिखो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड लिखो, न्यूजीलैंड का लिखो बेलिंगटन, बेलिंगटन, न्यूजीलैंड का लिखो बेलिंगटन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसके साथ अगला लिखो, लिख लिए, और बेलारूस लिखवा दिए थे, इटली रोम लिखवा दिए थे, जो नहीं लिखवाए वो टेंशन नहीं लेने का है, हम करवा देंगे। तो अगला आ जाओ, माल्टा लिखवा दिए थे उस दिन, माल्टा लिखो, माल्टा, माल्टा का लिखो बालेटा, बालेटा, माल्टा का बालेटा। ये इतना जो है वो छूटा जिनका है उनको हम लिखवा दिए हैं, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। थोड़ा सा माइक आप लोग ऑन कर देते हैं, क्योंकि मेरे को संतोष ही नहीं होता जब तक आप बोलोगे नहीं कुछ, बस हल्ला नहीं करना, बस कुछ कुछ जो पॉइंट आपको है, कंफ्यूजन है, वो मेरे साथ बोलना। ठीक है, आपका माइक ऑन है, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ऑफ भी करेंगे। जो लड़के नहीं ये भी लिखे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको करवाते हैं बैकअप क्लास में, हम आपको सारा का अच्छे से करवा देंगे, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्या? स्क्रीनशॉट लेते सर। हाँ, हम दे देते हैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम। इसके साथ आप मेरे साथ अगला नया कॉपी, जो नए लड़के हैं वो कॉपी निकालो, कॉपी पे आप ऊपर टॉपिक लिखो, एक मिनट पेज पलट लेते हैं, एक सर मिनट, मेरा जो पीछे का छूट गया है और सारा देश का। वो सारा दे देंगे, सारा दे देंगे आप, बस एक मिनट, सारा सर आप इसका पीडीएफ मिलेगा कि नहीं? स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप लोग जो क्लास वाले हैं वो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, अब एक आपका देखो जो पीडीएफ है उसमें आप लोग, जो पांडे जी आप क्लास में है ना, सर तो आपको जो पीडीएफ दिया गया है उसमें कौन कौन से टॉपिक है ना वो बता दीजिए, बता दीजिएगा, देखते कि कौन कौन से उसमें टॉपिक हो गया है, कौन कौन से बचा हुआ है। ठीक है, सर आप सर पहले, ग्रुप हाँ खोल दीजिएगा हाँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खोल देंगे, फालतू का सिर्फ मैसेज में। ठीक
तो मेरे साथ। सर हाँ एक्सक्यूज सर, पीडीएफ में जो आप भेजते सर वो हमको पता नहीं चल रहा कैसे उसको लिखना है अपने कॉपी पे। हम सब करवा अरे देंगे। भाई हाँ सर, भाई जब बोलना। ग्रुप खोल देंगे तो जो पूछना है पूछ लेना है, सर को प्रॉब्लम मत दो। अरे नीव कुमार, अभी क्लास करो ना भाई, अभी क्लास करो। प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा उनकी राजधानी, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, सीयूसीटी में भी आएगा, तो ये सीयूसीटी के लिए भी हम आपको पर्याप्त है। क्वेश्चन आएगा कैसे जी, देखो पहले हम आपको टॉपिक लिखवाते हैं कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक में है प्रमुख राजवंश, जो हमारे इतिहास में राजवंश हुए थे उनके कौन कौन से संस्थापक थे, और वो अपनी राजधानी अरे राजधानी कहाँ बनाए थे। क्वेश्चन क्या आएगा कि क्वेश्चन आएगा जैसे एक उसे का हरियक वंश, तो हिंदी इंग्लिश वाले भी हरियक लिखेंगे, वो इंग्लिश में सिर्फ हरियक लिखेंगे। तो पूछेगा कि हरियक वंश के संस्थापक कौन थे। ऐसे करके हम बताते हैं ऊपर में, सबसे पहले कोई भी एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझो। हरियक वंश के संस्थापक कौन थे, निम्नलिखित में हरियक वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए रहेगा आपका बिंबिसार, ठीक है, हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन बी रहेगा अशोक, ऑप्शन सी रहेगा क्या रहेगा अजा शिशुनाग, शिशुनाग, और आपका ऑप्शन डी रहेगा चंद्रगुप्त, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, जो पटना यूनिवर्सिटी का जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको हरियक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार पे ऐसे 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 करके आपको प्रिंट कर देना है, बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, इससे नहीं बनेगा। तो कौन कौन से वंश से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो हम आपको करवाने जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर में टॉपिक लिख लिए, नीचे क्वेश्चन लिख लिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। हाँ, और स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले कोई दिक्कत नहीं है, हरियक को आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा, बिंबिसार को इंग्लिश में लिखा, अशोक को इंग्लिश में लिख दीजिएगा, चंद्रगुप्त को इंग्लिश में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एक एक से हरियक वंश के संस्थापक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दे। हरियक वंश के संस्थापक बिंबिसार, ठीक है सर। बिंबिसार, तो इधर इधर क्या लिखाया है, सबसे ऊपर में ऐसे लिख दो, इधर लिखो वंश, बगल में उसके लिखो संस्थापक, मतलब बीच बीच में खाली स्थान देके, आ इधर लिखो कि वो अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे, बगल में ऐसे ऐसे 3 कॉलम बना दो। तो वंश में हो गया हरियक वंश, हरियक वंश के संस्थापक कौन थे, हरियक वंश को किसने स्थापना किया, तो बिंबिसार नामक व्यक्ति ने किया। कहाँ इनकी राजधानी कैपिटल कहाँ बनाए, तो राजगिरी, जो आधुनिक राजगीर के नाम से जाना जाता है। हरियक वंश, बिंबिसार, राजगिरी, क्लियर है, ठीक है। शिशुनाग वंश, अब आएगा कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की। क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं ना, हम आपको BHU तक का पूरा हम कवर करवा देंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश के संस्थापक बगल में क्या लिखते हैं फिर, संस्थापक, तो शिशुनाग लिख दिए, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। राजधानी कहाँ थी, तो आपकी राजधानी वैशाली थी, वैशाली, ठीक है। अब लोग नहीं आएंगे, इतना लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट ऐप पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ लिखो नंद वंश, पूछेगा नंद वंश के संस्थापक, तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे, कोई बताओ। महापद्म नंद। हाँ बिल्कुल, महापद नंद, ठीक है। अब नंद वंश के संस्थापक महापद नंद, इनकी राजधानी क्या था, इंग्लिश वाले बस इंग्लिश में लिखते जाओ, इसका कोई पाटलिपुत्रा का डॉग मने कुत्ता होता है, पर पाटलिपुत्रा का मतलब पाटलिपुत्रा होता है, पाटलिपुत्र, ठीक है। चौथा मेरे साथ लिखो, बताओ मौर्य वंश, मौर्य वंश लिखो चंद्रगुप्त, ये क्या लिख रहे हैं, ये हम क्या लिख रहे हैं बताओ, ये लिख रहे हैं वंश का नाम, ये वंश का नाम है, वंश कहने का मतलब कि जो राजा महाराजा जो वंश है उनका ये नाम है। इसके बगल में हम लोग उनके राजा का नाम लिख रहे हैं जो इसकी स्थापना किए, ठीक है। तो मौर्य वंश चंद्रगुप्त, तो इनके जो ये कहाँ पे अपना, तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र क्या है, राजधानी, कहाँ अपनी राजधानी बनाया,
पांचवा नंबर आपका है मौर्य वंश के। सर नंद वंश पे संस्थापक का क्या लिखा हुआ नाम सर? नंद वंश महापद नंद, ये महा गलती लिखा गया, ये पद महापद नंद लिखना। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद, महापद नंद ठीक है, क्लियर नजर पड़ रहा है। फिर अगला आएगा शुंग वंश, शुंग वंश इंग्लिश वाले शुंग लिखिएगा इंग्लिश में, शुंग वंश। तो इसके स्थापना पुष्यमित्र नाम है, इस व्यक्ति का नाम है, ये राजाओं का नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो देख रहे हैं बहुत कुछ ऐसा आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, जैसे नंद तो महापद नंद, शिशुनाग वंश तो शिशुनाग, तो पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ किया, तो ये भी जो अपना राजधानी बताए थे वो आपका पाटलिपुत्र में बनाए थे, पाटलिपुत्र में। क्लियर है सर, शुंग वंश का राजधानी संस्थापक कहाँ है? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है ज्वाइन होने में, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में कि क्लास ज्वाइन होने में दिक्कत हो रहा है। सर बहुत ज्वाइन होने में दिक्कत, 3 दिन से तो मेरा ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, अभी कैसे कैसे फिर से इसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किए तब जाके क्लास ज्वाइन हुआ है। अच्छा, इसीलिए देख रहे थे कि क्लास में बहुत लोग कम आ रहे हैं। ठीक है, सुंगमित्र सर करो, कौन सा हुआ था ज्वाइन तुरंत? सुंगमित्र करवा लिए। चलिए यस सर, अच्छा कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्ड यस करा सर, हो रहे। चुका चलिए नेक्स्ट, छठा नंबर सवाल मेरे साथ लिखते हैं, कॉपी पेन निकालिए, ऐसा नहीं कि क्लास है तो बैठकर देख रहे हैं, नहीं कॉपी पेन मेरे साथ निकालिए, जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे हम इसका पीडीएफ भी करवा के भेज देते तो कोई मतलब नहीं रहता, ना आप याद करते, जब मेरे साथ लिखिएगा कम से कम याद होगा। फिर लिखिए सातवाहन वंश, नाम है ये सब सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का कौन था स्थापना, तो ये सीमुक व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है, सिमुक। कहाँ थे? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ठीक है। सातवां मेरे साथ लिखिए जो जितना इम्पोर्टेंट है, गुप्त वंश आएगा, आगे आएगा गुप्त वंश, कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, पीडीएफ में था ना प्रमुख राजवंश एवं उनकी राजधानी, जो हम आपको पीडीएफ एक भेजे थे उसमें यस सर, यस सर, हाँ श्री गुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त कहाँ, तो ये भी जो अपनी राजधानी बताए वो सर देखो सातवाहन वंश का थोड़ा राजधानी देख लीजिए सर, हमको गलत लग रहा है सर। सातवाहन वंश का राजधानी परिस्थितान था यार, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान है इसका, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र चलते आ रहा है ना, तो वो प्रतिष्ठान है इसका, प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश की राजधानी के व्यक्ति का नाम संस्थापक सिमुक और संस्था ये राजधानी प्रतिष्ठान, यही होता है ना कि माइक ऑन करने से। फिर लिखो बर्धन वंश, बर्धन वंश लिखो, बर्धन वंश, बर्धन वंश का लिखो पुष्यभूति, पुष्यभूति नाम है व्यक्ति का, पुष्यभूति, पुष्यभूति ठीक है। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, थानेश्वर, या आपके ऑप्शन में एक और आएगा कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज। नौवां नंबर सवाल, नौवां नंबर मेरे साथ लिखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है चोल वंश, ये भी आएगा कि चोल वंश। ऐसा नहीं है कि हम आपको 5 क्वेश्चन करवा दें, वो 5ों में से नहीं लड़ेगा तो कल को आप मुझे बोलोगे, इसलिए हम आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा देंगे कि आप पूरा याद करो। बीजयालय, बीजयालय व्यक्ति का नाम है, बीजयालय चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन में आएगा बीजयालय, आपको टिक करना है। बोलेगा कि राजधानी कहाँ था, तो मेरे साथ लिखिए तंजौर, तंजौर। दसवां नंबर सवाल लिखिए पल्लव वंश, कमजोर है चोल वंश का राजधानी तंजौर, 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 तंजौर। अब लिखिए मेरे साथ पल्लव वंश, पल्लव वंश, पल्लव वंश का आपको लिखना है, लिखिए सिंह बर्मन चतुर्थ, सिंह बर्मन नाम व्यक्ति का है, सिंह बर्मन चतुर्थ।
ये सब याद करने वाले, इसको आप, मैं चाह कर भी क्या इसमें समझा सकता हूँ, कुछ नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सिंह बर्मन चतुर्थ, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम बहुत अच्छे से शांति से आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। 11 नंबर सवाल, एक इम्पॉर्टेंट 11 इसमें और है, देखो, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश, इतना हम आपको टॉपिक देंगे ना, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। बहुत से भाई जो इसमें, आप जो नए नए आए हो ना, उसमें बहुत से भाई जो आपके हैं जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, मान्य खेट, आप लोग क्या लिखे हैं? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट भाई, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, कूट इंग्लिश वाले, राष्ट्रकूट इंग्लिश में लिख लेना बस, इसका और कोई इंग्लिश नहीं है, राष्ट्रकूट वंश। तो इनके संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। शेयर करते हो ना लिंक तुम लोग? नहीं सर, पैर पे लाठी मारना, 350 दे कर आए हो ना? तो सर हम सब पीछे से कर रहे हैं सर, और सब सब ईमेल हेलो सर अभी नहीं लिखे हैं, तो बैक कीजिए, ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट, लो स्क्रीनशॉट लो इसका। सर मान्य खेट है सर, हाँ मान्य खेट, मान्य खेट लिखो यहाँ मेरे साथ सर। वो दंती दुर्ग है, दंती दुर्ग, हाँ दंती दुर्ग, ये व्यक्ति का नाम है, दंती दुर्ग जो है वो व्यक्ति का नाम है, मान्य खेट उनकी राजधानी है, मान्य खेट, मान्य हो गया सर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए? कांचीपुरम, 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 कांचीपुरम इंग्लिश वाले। सर यहाँ पर, सर यहाँ पर पीयूष भूति, सर पीयूष भूति की राजधानी सर, वर्धन वंश का पुष्य भूति व्यक्ति का नाम है, पुष्य भूति, पुष्य भूति, पुष्य भूति, पुष्य भूति, थानेश्वर या कन्नौज, ये नाम है थानेश्वर या कन्नौज। ओके सर, थैंक्स सर, ठीक है, एक मिनट आप लोग का, एक मिनट बस, आगे हम लोग शुरू करते हैं अच्छे से, लड़के ऐसे भी नहीं आएंगे। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर, बैकग्राउंड ब्लैक ठीक था? यस सर जी, देखिए अच्छा रहता है, उस पे येलो आपका, यस सर, अब दिखाई दे रहा है सही से? ये तो ठीक है, अब देखो लोग आ रहे हैं, अब जाने दो, जिनका क्लास छूटेगा उनका रिकॉर्ड होगा। चलो ठीक है, पेन लिखो, अगला लिखो मेरे साथ, कहाँ तक क्या करवाया? राष्ट्रकूट तक करवाया ना? यस सर, यस सर। अब लिखो राष्ट्रकूट वंश, अब लिखो पाल वंश, दंती दुर्ग, लिखो पाल वंश, तो इनके संस्थापक का नाम था गोपाल, गोपाल, ठीक है। राजधानी मुंगेर, 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 मुंगेर ऐसी होता है ना। अब देखो इसमें एक नोट करके मेरे साथ नीचे लिखना, क्वेश्चन आएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ही, गोपाल वंश ही किया था ना, गोपाल ही ने किया था, एक बार कर सर नहीं मालूम है, हाँ पाल वंश ही किया था, बस एक मिनट कंफर्म हो जाते हैं, आई डोंट नो, 100% गोपाल ही किए थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला क्योंकि बिहार में है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पाल वंश, ये हाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, देखिए गोपाल नहीं किया था सर, धर्मपाल। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, वो था ना जो आपके बिहार में था, विक्रमशिला, लिखो मेरे साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, स्थापना कैसे होता है, स्थापना किसने किया, किसने किया,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल। धर्मपाल। और माइक बंद कर दो भाई, जिनका माइक ऑन है वो बंद कर दो। देखो दो तीन लोग माइक ऑन कर देना जिससे मेरे को लगे कि हाँ पढ़ रहा है, जैसे पांडे जी एक आप, मुकुल जी आप हैं जो वो लोग, ये लोग माइक ऑन करेंगे तो कम से कम बोलेंगे तो मेरे को पता लगेगा कि मेरी आवाज़ जा रही है। धर्मपाल। अब ये नोट में लिख देना कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल। अब नीचे लिखना धर्मपाल का संबंध किस वंश से है, धर्मपाल किस वंश के राजा थे? तो पाल वंश। पाल वंश, ठीक है। धर्मपाल किस वंश के राजा थे? तो पाल वंश। ये बिहार के था। अब ये दिखाई दे रहा है, इतना पतला कर दिया तो दिखाई दे रहा है। यस सर। लिखो लिखो अगला, चौहान वंश। चौहान वंश, अब दिखाई दे रहा है, मोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। चौहान वंश दिखाई दे रहा है। वासुदेव, वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। राजधानी अजमेर। राजधानी कहाँ थी? अजमेर, ठीक है। नेक्स्ट, चौहान वंश हो गया। फिर लिखो भाई माइक, जो फालतू माइक है ना वो बंद कर दो प्लीज। अब लिखो अगला, अगला लिखो गुलाम वंश। इसके सामने लिखना गुलाम वंश, अगला तीन जो लिखाएंगे वो आपका एकदम इम्पोर्टेंट है। गुलाम वंश, गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली, लाहौर। अजमेर, दिल्ली, 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 दिल्ली। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली, 100% ये है। अजमेर है क्या? अजमेर, अरे सर इल्तुतमिश दिल्ली लाया था सर। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन संस्थापक थे वो दिल्ली थे, दिल्ली लाया, दिल्ली भाई। आपने तो कोई, अरे सर इल्तुतमिश सर आराम शाह के हत्या कर लाया था सर दिल्ली, पहले लाहौर था। एक मिनट आपको क्लियर करवा देते हैं ना, जिसका भी दिल्ली ये है। गुलाम वंश के स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, वह गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन, अगर कुतुबुद्दीन ढाईदीन का झोपड़ा दिल्ली है, पर आप लोग कोई दिल लगे कि सर। फिर ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 2011 में दिल्ली की गद्दी पे बैठा। वो दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो दिल्ली कैसे लेकर आया? देख लेना, पढ़िए पूरा, देख लेना एक बार। सही है सर, राजधानी भी दिल्ली है। स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। राजधानी खिलजी दिल्ली है। लाहौर सर दिल्ली है, दिल्ली है। अच्छा ठीक है सर। नहीं सर, दिल्ली है। ठीक, हम सर्च करके बता देंगे। जलालुद्दीन खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी नाम है। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली। ये आपका है लुसेंट पेज नंबर 62। फिर ऊपर वाला अजमेर है कि अजमेर? अजमेर, 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 ठीक है, अजमेर, ठीक है सर, ठीक। नेक्स्ट लिखो तुगलक सर। लुसेंट का पेज नंबर 23 खोलिए सर। तुगलक वंश, तुगलक वंश, एक मिनट थोड़ा लिखवा देते हैं। अच्छा ठीक है, डाउट है क्लियर बाद में कर लेंगे, क्लास के लास्ट में कर लेंगे, वहां पे गोल टिक कर लो। क्लास के बीच में डिस्टर्ब करना वो सही नहीं होता है। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक, ठीक है। इसका राजधानी कहाँ था? दिल्ली। गुलाम, अब लिखिए लो, अगला लिखिए लो, कितना हुआ बताइए, क्वेश्चन कितना नंबर हुआ? लोधी वंश। गया क्या लिखे हैं? गया तुगलक वंश वाला। गयासुद्दीन, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक।
इसीलिए पतला करके लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए। लोधी वंश, लोधी वंश का लिखो बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी दिल्ली। अब लिखो सर एक मिनट पीछे कीजिए। आगे बढ़े, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। यस सर। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सही से? बढ़ते आगे। ठीक ठीक ठीक। बाकी माइक, बाकी लोग माइक ऑफ कर दीजिए। कहाँ तक तुगलक करवाएं? क्या करवाएं? लोधी, लोधी वंश। लोधी वंश के बाद लिखिए संगम वंश, ये इसके सामने इम्पोर्टेंट लिख दीजिएगा। संगम वंश दे देंगे ना इतना कि आपका बीएचयू क्लियर करवा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? सिर्फ पढ़िएगा, याद कीजिएगा। हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का विजयनगर। ठीक है, ये क्या हुआ? हरिहर एवं बुक्का जो थे, दो व्यक्ति थे, उनके द्वारा ये व्यक्ति का नाम है, विजयनगर उनकी राजधानी है। ठीक है, संगम वंश के बाद लिखिए मुगल वंश, ये तो सबको मालूम होगा। बाबर। हाँ बाबर, बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम। तो बाबर हो गया, मुगल वंश के बाबर हो गए। और मुगल वंश कहाँ बाबर, राजधानी बताओ। दिल्ली, हरियाणा, आगरा भी होगा सर। आगरा भी होगा, दिल्ली होगा सर। ठीक है, इतना आपका इससे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट आपका आता है जो हम आपको लिखवा दे रहे हैं। ये आपका यहाँ पे ये वाला टॉपिक खत्म करवाए हैं। एक थोड़ा सा इसके नीचे नोट करके, कोई टॉपिक नहीं है, बस लिखो ऐसे करके इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अधिवेशन कब हुआ? तो ये लिखना नीचे, इसके लिखना 1885, ये आ जाता है इसलिए मैं लिखवा दिया। कहाँ हुआ? बम्बई। 1885 कब हुआ? 1885 कहाँ हुआ? तो बम्बई। अध्यक्ष कौन थे? लिख देना अध्यक्ष, बताओ कोई। पांडे जी बताइए। चटर्जी होगा। हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चटर्जी आप बोले कि बनर्जी बोले? बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 1885 में कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अधिवेशन का मतलब क्या होता है? सम्मेलन, सम्मेलन कह सकते हो, नहीं तो देखो ना इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, बैठक भी होगा, बैठक नहीं, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस। हाँ कॉन्फ्रेंस लिख ला। फर्स्ट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1885 बम्बई में, प्रेसिडेंट कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इससे सवाल जो पूछा जाता है वो दूसरा सिर्फ पूछा जाएगा जगह का नाम। दूसरा हुआ था कलकत्ता में, दूसरा लिखना कलकत्ता में, यही क्वेश्चन है। पहला अधिवेशन की जगह फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की जगह दूसरा, सेकंड कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में। ठीक है, फिर अध्यक्ष क्या लिखे हैं? अध्यक्ष प्रेसिडेंट, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष। अब देखिए एक अभी स्टैटिक जी के करवा रहे हैं, आगे बढ़े। अब एक नया टॉपिक लिखिए, एक नया टॉपिक लिखिए। स्क्रीनशॉट नहीं लिए सर।
ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तीन पर एक मिनट नहीं लिया के ले लीजिए, ले लीजिए, सब कुछ है यहाँ पे। तो दूसरा अधिवेशन कब हुआ था कलकत्ता? दूसरा अधिवेशन आपका क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, 1886। ठीक है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई अध्यक्ष जो थे, दादा भाई नौरोजी। अब देखिए इसके साथ मेरे साथ अगला टॉपिक लिखिए, टॉपिक लिखिए प्रमुख वचन एवं नारे देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। सर कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही नहीं हुआ था? हाँ 1885 में। हाँ हाँ लिखिए मेरे साथ लिखिए, दिखाई दे रहा है जो आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लिखो लिखो इनकलाब जिंदाबाद, पूछेगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस महापुरुष ने दिया। क्वेश्चन आएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस महापुरुष ने दिया, समझ गए? भगत सिंह। दूसरा आएगा सवाल दिल्ली चलो का नारा किस महापुरुष ने दिया। दिल्ली सुभाष चंद्र बोस। हाँ बिल्कुल सही, मेरे साथ लिखो, लिखने से याद हो जाएगा। बोस चलो, देखने से कोई फायदा नहीं है कि देख रहे हैं तो फिर देखो, करो या मरो ये सब आएगा कि करो, करो या मरो इसके साथ हे राम महात्मा गांधी का ये, इसके साथ भारत छोड़ो। सर माइक ऑफ कीजिए। भारत छोड़ो तो भारत महात्मा गांधी, देखो दिक्कत होता है भाई सबको, आप लोग बोलकर माइक ऑफ कर लीजिए, बोलिए माइक ऑफ कर लीजिए, बोलिए माइक ऑफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखो हेलो जय हिंद, फिर लिखो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। हाँ जय हिंद लिखो सुभाष चंद्र बोस। फिर लिखो पांचवा नंबर, पांचवा लिखो लिखो पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज या प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। आराम हराम है वाला होगा भाई, सब चुपचाप रहो। जवाहरलाल सर बहुत आवाज होता है। अरे कौन है वो भाई, देखो ना आप लोग, हम ये ऐप से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बताए थे ना कि संजीत है सर, संजीत है भाई, माइक ऑफ कर दीजिए भाई। लिखो अगला वेदों की ओर लौटो, अभी भी लोग आ रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती। भाई अब ग्रुप में अधिक लोग हैं, सब बोले वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, क्यों नहीं माइक ऑफ कर रहे हैं? संजीत जी माइक ऑफ कीजिए ना, बेचारा सब्जी बना रहे हैं उसमें आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन माइक, कौन है, क्या करें, माइक ऑफ कर दिया सभी लोगों का, बताइए दो क्लास। यस सर कर दीजिए सर, यस सर कर दीजिए सर। ओके सर, हम आप कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग सबको भाई जी सब एक बोले की वजह से हो रहा है, नहीं कीजिए सर, लड़का लोग बहुत बोलता है सर। 41-42 आदमी में सभी बोले सर, अभी तो इसमें 200-300 पढ़ेगा अभी तो, अभी देखोते तो जाओ, तो जिसको डाउट होगा वो तो पूछेगा, इसीलिए तो ऑन कर दिए हैं कि पर डिस्टर्ब होता है तो आप लोग का क्लास डिस्टर्ब होगा ना। चलो कहाँ तक थे,
अब वो जो वेदों की लौटो तक सर दयानंद दयानंद सरस्वती ठीक है। अब लिखो पीछे कीजिएगा सर जरा पीछे वो नहीं सर पीछे कीजिएगा सर बैक कीजिए तो वो नहीं होगा बैकअप पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू लिखो जवाहरलाल नेहरू आराम और भाई कौन क्लास डिस्टर्ब कर रहा है गजब हाल है जब बिना इतना प्यार से लीव कर देते हैं मैं देखकर बता हाँ उसको हम ग्रुप से लीव कर देते हैं हटा देते हैं मतलब क्लास से पर सबको डिस्टर्ब करने से क्या फायदा मिल रहा है क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो यही होता है ना ज्यादा जब लिखो अगला मारो फिरंगी फरहान भाई देख सर हम यहीं तक लिखे हैं पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू अगला सर छूट गया था एक पांच वेदों की और लौटो दयाराम सरस्वती भाई मैं बंद कर लो रुको ये कहां से होता है ये देखने दो ना बैंक वर्क सेव होता है ये अच्छा इसका ये जो छोड़ो अगला उसका देखो ये देख रहे हो सारा सेव हो गया है ये हम आपको सेव जो है ना वो हम आपको भेज के स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे टेंशन मत लो ओके सर ठीक है इसमें है बैंक इसमें है हम देख लेते हैं खोल लेंगे लास्ट में रहने दो आगे छोड़ दो यार क्लास डिस्टर्ब करते हो पढ़ाने मन नहीं लगता फिर मारो फिरंगी को मंगल पांडे लिखो ज्यादा जोगी मठ उजागर यही होता है लिखो आगे कर मत दो कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो लड़के देखो ईमेल आईडी भेज देना तब क्लास करोगे क्योंकि फिर परमिशन की जरूरत नहीं होगी नहीं तो बार बार परमिशन लोगे मेरे से दिक्कत होगा हम ऐड नहीं कर पाएंगे ईमेल आईडी भेज दोगे सही हो जाएगा ठीक है लिखो संपूर्ण क्रांति ये इम्पोर्टेंट है इसके आगे लिख देना बीबीएल याद कर लेना जयप्रकाश नारायण हाँ जयप्रकाश नारायण लिखो अगला लिखो वंदे मातरम इसमें कितना करवाया अभी दस्तों सर दस्तों बस अभी तो चलो तो कम से कम 15 लिखो बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी ठीक है अब लिखो अगला ये तो सब जानता होगा जन गण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ ठाकुर लिख लो तो तुम लोग जन गण मन रविंद्रनाथ ठाकुर इसमें एक दो लड़के जी हो ना भाई जैसे ये पांडे जी मुकुल जी सब देखिएगा कि क्लास डिस्टर्ब ना हो कोई ऐसा हो तो हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि देखिए मेरे सामने जो ये ऐप खुला हुआ है वो ऐप से हम क्लास को नहीं देख पाएंगे कौन लड़का क्या है आप लोग की क्लास दिक्कत ना हो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा बोलो इकबाल सर जनगण मन का बुक में लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर सारे अरे ठाकुर अच्छा ठाकुर है टैगोर अलग अलग टैगोर ही ठाकुर होता है सर सारे जहां से अच्छा लास्ट में क्लास के कोई भी आपको डाउट हो तो क्लियर करते जाइएगा वहां पे गोल कर लीजिएगा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा इसका कौन है इकबाल देखिए कोई भी डाउट हो ऐसा करके वहां पे गोल कर दीजिएगा बस देख लेंगे लास्ट में सबसे बड़ा है गूगल कर लेंगे साइमन कमीशन वापस जाओ कितना हुआ आप बताओ 15 हुआ 13 हुआ तो लिख लो दो और लिख लो अच्छा अच्छा वही दो वो एग्जाम में आ जाए तो ये 13 नहीं आए अब वो दो आ जाए
साइमन कमीशन वापस जाओ। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे सर, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही आता है ना। भाई यदि कोई लिंक शेयर करेगा गलती से, देखो भाई पता चल जाएगा तो यार समझ सकते हो ना, इतना कोई मेहनत किया है तुम, किसी के कोई दुकान खोला है और तुम जाकर दुकान में रात में डकैती डलवा दो तो हम बर्बाद हो जाएगा ना, दिवालिया हो जाएगा, भारत से निकलवा देंगे तुम। दीजिए ना सर, सर ओकर वाला भाग जाएगा सर। Who lives India died? क्या लिखे हैं? Who lives? डीसी बंद करो। Who lives if India India dies? लिखो झुन्नी लाल नेहरू। ठीक है चलो 300 इतना का ले लो। Who lives if India dies? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है और पढ़ोगे सर? रुके रुके लिख रहे हैं। और पढ़ोगे? यस सर पढ़ोगे। लास्ट वाला पढ़ाइए ना, लास्ट वाला ये मन भरा ऐसा मैं पेट भरा है, पढ़ाइए सर। पढ़ो पढ़ो पढ़ाइए सर। अरे हाँ तुम लोग का क्या, घर में हो खाना मिल जाएगा मम्मी पापा से, हम मेरे को नहीं प्रॉब्लम है, ऐसा बात नहीं है सर। सर एक महीने कर लीजिए सर। अरे मेस से हम टाइफाइड से टाइफाइड और जॉन्डिस से हम। चलो नेक्स्ट लिखो मेरे साथ ना भाई, बहुत बड़ा है तो लिखो ना, कल करवाएंगे ना, तो कल कुछ उपाय करते हैं। रुको ना, तुम लोग के लिए कुछ उपाय किया जाता है। सर डाउट डाउट मेरा डाउट सर। क्या क्या डाउट है बताओ? मेरा क्वेश्चन है सर, दिल्ली थी गुलाम वंश का जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर उसका राजधानी था। देखिए सर, सर पेज नंबर 23 खोलिए। क्या क्या दूसरा का पेज नंबर 23 तुम्हारे सामने सब क्लियर हो जाएगा। रुको तो कहां गया मेरा? अरे जो दिए गए सर पता है लो बताओ उसमें जो 100 के क्वेश्चन पूछते हैं सर, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी होते हैं क्या? हां 10 नंबर दिए के लिए 10 नंबर 10 नंबर और सर रीजनिंग भी होता है। हां रीजनिंग का मैथ 10 नंबर। 1200 से मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। दिखाई दे रहा है आपको? जी देखो साफ यहाँ पे साफ ये साफ यहाँ पे देखो, हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं कहीं पे कंट्रोल प्लस सी, थोड़ा जूम की लाहौर तो दिखा रहा है इसमें, राजधानी लाहौर 1206 में राजधानी लाहौर दिखा रहा है। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पे बैठा, इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य 12 जून 2006 को हुआ, इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया, ये अपनी राजधानी को चेंज किया, लाहौर ले गया, पर बैठा कहाँ तो दिल्ली की, दिल्ली पे बैठा ना, पर विकिपीडिया देख लेते हैं, विकिपीडिया क्या बोलता है। वहाँ तो बैठा ना कैपिटल, तो फिर लाहौर ही बना। दिल्ली की इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर ज्यादातर, देखिए सर गुलाम वंश का ज्यादातर शासन जो शासक बना वो सब दिल्ली में रहा, लेकिन इल्तुतमिश के बाद जितना भी शासक था वो सब दिल्ली में था, इसके कारण सब दिल्ली में रहता है। विकिपीडिया से बड़ा अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दूर हो गया, विकिपीडिया इससे बड़ा कुछ नहीं है। आ जाओ गुलाम वंश 1206 से 1292 ईस्वी राजधानी दिल्ली, यहाँ पे देखो, यहाँ पर यस सर, ये अब क्लियर है। अब क्या मालूम सर, पीछे वाला गलत, मतलब यहाँ पे तो विकिपीडिया है, ये चेंज किए थे। चलो और कुछ बताओ, ये देखो सारा का सारा उनके बारे में अच्छे से, ये भी अरे सर वो डाउट क्लियर हो गया सर इसका। हम एक बात पूछनी थी। हाँ बोल रहे हैं कि बीबीए का जो एग्जाम होगा तो उसमें बिजनेस स्टडी नहीं आएगा ना? उसमें नहीं आता है, बीबीए वाले में नहीं आता है बिजनेस स्टडी, जो आपका कॉमर्स का है ना। हेलो सर, फॉर्म कब आएगा इसका? पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ जाएगा अप्रैल के बाद, अप्रैल में आ जाएगा, अप्रैल में यानी हवा आ जाएगा। थर्ड अप्रैल सर, क्या
थर्ड अप्रैल नहीं आएगा, देखिए थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, देखिए थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में आ जाना चाहिए। तो ठीक है, सीयूईटी के साथ ही आएगा ना, सीयूईटी के साथ नहीं आएगा। फिर कल मिलते हैं और